तो फ्रेंड्स शुरू करता हूँ आज का सेशन जो है एपिमॉर्फोसिस। सॉरी, देखिए एपिमॉर्फोसिस क्या है। एपिमॉर्फोसिस एक रीजनरेशन के नाम के टॉपिक के अंडर आता है। रीजनरेशन नाम क्या होता है, रीजनरेशन टॉपिक है क्या। रीजनरेशन जो है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। मैं आपको आम भाषा में समझाता हूँ रीजनरेशन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक एनिमल है, किसी एनिमल ने कहीं पर बर्थ लिया, बर्थ लेने के बाद वो एनिमल आपका ग्रो हुआ, डेवलप हुआ, एडल्ट हुआ। सपोज करो एडल्ट होने के बाद उसका जो आपका फोर लिम था, फॉर एग्जाम्पल रेडियस और अल्ना बोन जो थी, वो उसकी किसी हादसे में, किसी एक्सीडेंट में कट हो गई, कट गया उसका हाथ, ठीक है। तो आफ्टर दिस एक्सीडेंट, जब उसका हाथ कट गया, उसके कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद दोबारा वो हाथ आपका रिस्टोर हो गया। यानी वहाँ जो सेल थे आपके कटने के बाद, उन्होंने डिवीज़न करा और डिवाइड करने के बाद उन्होंने पूरा का पूरा ऑर्गन बना दिया, यानी पूरा रिस्टोर कर दिया हैंड। इसे कहते हैं आप रीजनरेशन। इट इज़ अ काइंड ऑफ रीजनरेशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ रीजनरेशन। तो रीजनरेशन आपकी कई तरह की होती है। वन इज कॉल्ड एज द एपिमॉर्फोसिस, जिसका एग्जाम्पल हम आज लेने वाले हैं। अगला है आपका मॉर्फोलैक्सिस, जिसका सेशन मैं बहुत जल्दी लाऊंगा, हाइड्रा का होता है वो। अनदर वन इज़ द सेल मीडिएटेड, ठीक है, स्टेम सेल मीडिएटेड, स्टेम सेल के द्वारा किया जाता है। और चौथा है दोस्तों आपका कंपनसेटरी, ठीक है। इन सब के ऊपर मैं डिटेल क्लास लाऊंगा। आज जो है हमारा सेशन है वो है अबाउट द एपिमॉर्फोसिस। तो एपिमॉर्फोसिस होता क्या है, देखिए एपिमॉर्फोसिस की डेफिनेशन आप पहले समझिए। फॉर एग्जाम्पल कोई टिश्यू है, कोई टिश्यू आपका लॉस्ट हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेलेमेंडर का हाथ कट गया, सेलेमेंडर्स के अंदर देखा जाता है। तो सेलेमेंडर का जब हाथ वगैरह कट गया, उसका फोर लिम या हाइंड लिम कट गया, तो वहाँ पे जो कुछ सेल्स होते हैं वो जाते हैं अंडर द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन, वो डी डिफरेंशिएट करते हैं। डी डिफरेंशिएट का मतलब है फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है तो कोई सेल आपका शुरुआत में ब्लास्टोमर होता है, ब्लास्टोमियर, टू सेल स्टेज, फोर सेल स्टेज। तो जो ब्लास्टोमियर होता है मैं उसे कहता हूँ अनडिफरेंशिएटेड, वो पूरी तरह डिफरेंशिएटेड नहीं है। फिर वो आगे चल के डिफरेंशिएट होता है और बनाता है स्किन, लिवर, बोन या कुछ भी। तो मैं ये कहता हूँ वो डिफरेंशिएटेड हो गया है। बट अगर वो डिफरेंशिएटेड होने के बाद दोबारा पीछे आए, यानी दोबारा वो एक अनडिफरेंशिएटेड सेल बने, इसे कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। तो क्या होता है सेलेमेंडर में, पहले होती है डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन होने के बाद ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है, जिसे कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। अगर मैं समझाने के लिए बोलूँ, अ काइंड ऑफ स्टेम सेल्स। ये जो स्टेम सेल्स बनते हैं, इनका बाद में होता है री डिफरेंशिएशन। ये दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं और जो ऑर्गन आपका एक्सीडेंट में हट गया है, जो आपका लॉस्ट हो गया है, उसको रिस्टोर करते हैं। इसे कहा जाता है एपिमॉर्फोसिस। तो सिंपल भाषा में, कोई भी ऑर्गन पहले जाएगा डी डिफरेंशिएशन में, डी डिफरेंशिएशन में दोबारा जाएगा री डिफरेंशिएशन से, री डिफरेंशिएशन से बना देगा पूरा ऑर्गन। तो दिस इज कॉल्ड एज द एपिमॉर्फोसिस। एपिमॉर्फोसिस एक ऑर्डरली प्रोसेस होता है, ऑर्डर में होता है ये। ऑर्डर का मतलब है इसका पर्टिकुलर स्टेप है, स्टेप वाइज मैनर में होता है ये, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सिर्फ आपका लॉस्ट ऑर्गन ही आपका रिस्टोर होता है। मतलब कहने का ये है, फॉर एग्जाम्पल सेलेमेंडर का आपका हैंड कट गया, तो जब एपिमॉर्फोसिस होगी तो सिर्फ हैंड बनेगा, ऐसा नहीं है कि आपका कंप्लीट आपका आर्म बन जाए, तो सिर्फ हैंड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो लॉस्ट ऑर्गन आपका रिस्टोर होगा ओनली, नॉट द कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम। पूरा ऑर्गन सिस्टम नहीं आएगा, जितना पार्ट टूटा है उतना ही बनेगा। तो ये सारी बातें आप ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, फॉर एग्जाम्पल रिस्ट इज एम्प्यूटेटेड। आप अभी फिगर देख रहे हैं, सेलेमेंडर की फिगर है ये। सेलेमेंडर का हाइंड लिम होते हैं, ठीक है, फोर लिम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके किसी रिस्ट के अंदर फोर लिम में एम्प्यूटेशन हो गई। एम्प्यूटेशन का क्या मतलब है, एम्प्यूटेशन का मतलब है सर्जिकली रिमूवल, आपने सर्जिकली कट कर दिया उसे। तो क्या होगा, ड्यूरिंग द एपिमॉर्फोसिस सिर्फ उसका हैंड ही बनेगा, यानी जो रिस्ट पे आपने काटा है हिस्सा, वही हिस्सा बनेगा, कंप्लीट आपका आर्म नहीं बनेगा। और वो पूरा का पूरा प्रॉपर ऑर्डर में होगा, उसका एक प्रॉपर ऑर्डर भी होगा, ठीक है। तो इसे कहा जाता है एपिमॉर्फोसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सॉरी, देखिए एपिमॉर्फोसिस का एक सिंपल डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये जो टिश्यू है, लेट अस सपोज ये टिश्यू आपका स्किन का है, फॉर एग्जाम्पल स्किन का टिश्यू है। अब स्किन के टिश्यू में डैमेज हो गया, ठीक है, डैमेज हो गया। डैमेज होने के बाद क्या होगा,
इसमें होगी डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन होने के बाद ये बना देगा स्टेम सेल, तो इसने एक तरह का स्टेम सेल बना दिया, अ काइंड ऑफ अनडिफरेंशिएटेड। तो ये आपका है अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड है ये। अब ये अनडिफरेंशिएटेड अगेन जाएगा रीडिफरेंशिएशन में, ये दोबारा रीडिफरेंशिएट करेगा और अलग अलग तरह के सेल्स बना सकता है ये, इसे कहा जाता है एपिमॉर्फोसिस। तो आप देख सकते हैं जो लॉस्ट ऑर्गन था वो भी रिस्टोर हो गया, ठीक है, लॉस्ट स्किन का सेल दोबारा स्किन का सेल यहाँ पे बन गया, तो इसे कहा जाता है दोस्तों एपिमॉर्फोसिस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने अभी सेलेमेंडर की आपसे बात करी थी, ये आपके सामने एक सेलेमेंडर का मैंने एक फोरलिम दिखाया आपको, आप देख सकते हैं ये सेलेमेंडर का फोरलिम है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एम्प्यूटेशन किया है। एम्प्यूटेशन को इस तरह से दिखाते हैं, ये डॉट 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 की जो लाइन देख रहे हैं आप, ये ब्रोकन लाइन, ये दिखा रही है साइट ऑफ एम्प्यूटेशन। तो यहाँ पे आपने इसे कट किया है, कट करने के बाद क्या होता है, कट करने के बाद यहाँ पे ये कुछ ऐसा नज़र आता है, एक फ्लैट एरिया आ जाता है, इसे कहा जाता है स्टम्प। ये स्टम्प बन गया सॉरी, स्टम्प बनने के बाद यहाँ पे आपका कंप्लीट लिम्ब डेवलप हो गया, तो इसे कहेंगे आप क्या, दिस इज द एपीमॉर, ठीक है, एपीमॉर्फोसिस, दिस इज कॉल्ड एज द एपीमॉर्फोसिस। क्लियर, चलिए हम एपिमॉर्फोसिस को पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा डिटेल में, क्योंकि ये आता है आपका CSIR में, डेवलपमेंटल बायोलॉजी की यूनिट में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है वो, उससे बहुत सारे एग्जाम में सवाल आते हैं। और अगर आप पिछले सालों को उठा के देखेंगे CSIR के, आपको सेलेमेंडर पे बहुत तरह के सवाल मिलेंगे। तो आज हम इसी को लेके चले हैं, आज का जो पहला सेशन है हमारा। देखिए सेलेमेंडर्स होते कौन हैं, इनके बारे में बात करते हैं। देखो सेलेमेंडर जो होते हैं आपके, बिलोंग करते हैं क्लास एम्फीबिया, ये एम्फीबिया में आते हैं, ड्यूअल लाइफ यानी टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। इनका जो ऑर्डर होता है वो होता है यूरोडेला। अब ये बातें मैं आपको यहाँ क्यों बता रहा हूँ, एग्जाम में क्या होता है, डाइवर्सिटी पर सवाल आते हैं, एनिमल डाइवर्सिटी पर सवाल आ जाते हैं, तो कई बार क्या होता है मैच द फॉलोइंग दे देता है वो, कभी कभार पूछ लेता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का ऑर्डर, उसके क्लास। तो अगर हो सकता है इस पर एग्जाम में सवाल आए मैच द फॉलोइंग या कुछ, तो आपको थोड़ा बहुत पता लग जाएगा कि ये यूरोडेला के अंदर आता है ना। तो हमने यहाँ पे एक थोड़ा बहुत डाइवर्सिटी का पार्ट भी कवर कर लिया। अगर मैं बात करूँ सेलेमेंडर की बॉडी की, तो सेलेमेंडर की बॉडी दिखती कैसी है, जैसे आप देख सकते हैं सामने फिगर है आपके, ठीक है, दिस इज अ टिपिकल सेलेमेंडर। अ टिपिकल सेलेमेंडर की लिजार्ड लाइक अपीयरेंस होती है, छिपकली के जैसा नजर आता है। इसकी बॉडी स्लेंडर होती है, समवॉट इलोंगेटेड होती है, और इसकी जो स्नाउट होती है, स्नाउट का मतलब है जो माउथ का पार्ट होता है वो फ्लैट होता है, फ्लैट होता है माउथ का पार्ट, इसे कहते हैं ब्लंट स्नाउट। और इसके जो लिम्ब होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और बॉडी के राइट एंगल पे निकल रहे होते हैं बाहर, बॉडी के परपेंडिकुलर बाहर इसके प्रोजेक्टेड होते हैं और काफ़ी छोटे छोटे इसके लिम्ब्स होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने कुछ आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। एक एग्जाम्पल है एम्बाइस्टोमा मैक्यूलेटम, तो आपके सामने जो फिगर है इट इज़ नथिंग बट द एम्बाइस्टोमा मैक्यूलेटम। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया, अगर सपोज करो किसी एडल्ट सेलेमेंडर का मैं लिम्ब काट दूं, लिम्ब को एम्प्यूटेट कर दूं, तो सर्जिकली अगर मैं उसे रिमूव कर दूं, तो क्या होगा, बाकी के जो सेल होंगे कटने के बाद जो स्टंप आएगा, स्टंप पे जो सेल होंगे ना वो नया लिम्ब बना देंगे, कुछ दिनों बाद नया लिम्ब बना देंगे और कंप्लीट लिम्ब बनाएंगे विद इट्स ऑल डिफरेंशिएटेड सेल एंड इन अ प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में बनाएंगे और कंप्लीट लिम्ब बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये काम कैसे होगा, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने आपको फिगर दिखाई है। यहाँ पे पहले एक सवाल आता है, क्या सवाल आता है, कि जो आपका लिम्ब है वो रीजनरेट करता है ओनली द मिसिंग स्ट्रक्चर। अगर मैं फॉर एग्जांपल सेलेमेंडर के लिम्ब को उंगलियों से काटूँ, कार्पल से काटूँ, थंब से काटूँ, रेडियस अल्ना से काटूँ, एल्बो से काटूँ, ह्यूमरस से काटूँ, मैं चाहे कहीं से भी कट करूँ, वो सिर्फ उतना ही पार्ट बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि सेलेमेंडर के लिम्ब को इसका ज्ञान है, वो जानता है सेलेमेंडर का लिम्ब कि उसका प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस कहाँ पर है। प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस बताता हूँ मैं आपको, फॉर एग्जांपल ये सेलेमेंडर का हैंड है, फॉर एग्जांपल, तो हैंड में ये वाला जो पोर्शन है इसे बोलते हैं डिस्टल और जो पीछे वाला पोर्शन है इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल। तो यहाँ पर सवाल ये है कि आप चाहे कहीं से भी कट करो, चाहे यहाँ पर कट करो, यहाँ कट करो, यहाँ हेयर 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 हेयर, कहीं पर भी कट करो, फिर भी ये प्रॉपर ऑर्डर में बनाएगा, आगे की तरफ बनाएगा डिस्टल, पीछे की तरफ बनाएगा प्रॉक्सिमल। तो इसका मतलब ये हुआ
कि सेलेमेंडर के लिंब को इस बात का ज्ञान है कि उसका प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस कहाँ पर है। इसका मतलब अंदर कोई एक ऐसा केमिकल है जो ये जानता है कि प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस कहाँ पर है। सही बात है, तो इसके बारे में ही पढ़ेंगे, वो कौन सा केमिकल है, क्या है, वो आगे देखेंगे। ठीक है, आप एक एक करके समझते जाइए। किसी भी तरह का कोई सवाल है आपका तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मेरे को। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे दो डायग्राम है, एक में दिखाया गया है डिस्टल एम्प्यूटेशन, डिस्टल एम्प्यूटेशन में थोड़ा सा आगे कट किया है, और दूसरा डायग्राम है प्रॉक्सिमल एम्प्यूटेशन, प्रॉक्सिमल एम्प्यूटेशन में थोड़ा पीछे कट किया गया है। तो जहाँ पीछे कट करा है और जहाँ आगे कट करा है, दोनों में आप देखिए कुछ दिनों बाद, 7 दिन, 21 दिन, 25 दिन, 32, 42, 72, तो 72 दिन बाद दोनों ऑर्गन रिस्टोर हो गए और परफेक्ट ऑर्डर में हुए हैं। ऐसा नहीं है कि दो दो लिंब बन गए, एक ही लिंब बना है, परफेक्ट ऑर्डर में बना है। तो इसका मतलब सेलेमेंडर के लिंब को इस बात का ज्ञान है कि अंदर क्या हो रहा है। चलिए अब ये समझते हैं कि एपिमॉर्फोसिस कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप मैनर में इस बात को समझते हैं। सो लेट अस सी सम मोर डिटेल हाउ दिस थिंग हैपन, कैसे होती है। तो शुरू करते हैं। देखिए सॉरी, जब सेलेमेंडर का लिंब काटा जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक लिंब दिखाया है और इसको मैंने कट कर दिया, यहाँ पे कट हो गया। जब सेलेमेंडर का लिंब काटा जाता है तो काटने के बाद वहाँ पे एक स्टंप बन जाता है और उस स्टंप पे होता है वूंड। वूंड का मतलब घाव, चोट लगी है वहाँ पे, ब्लीडिंग हो रही है। तो जब ब्लीडिंग होती है वहाँ पे, कुछ देर बाद ब्लीडिंग आपकी बंद हो जाती है, तो वहाँ पे बन जाता है प्लाज्मा क्लॉट, क्लॉटिंग हो जाती है वहाँ पे, प्लाज्मा का क्लॉट बन जाता है एट द कटिंग साइट, जहाँ पे कट करा है। तो पहला स्टेप ये होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है।